पंचपेकमी का पर्व 8 नवंबर से 12 नवंबर तक मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा तक पंचपेकमी को मनाया जाता है। इस दौरान पापों की मुक्ति के लिए 5 दिनों में व्रत किए जाते हैं। प्रसिद्ध पंडित राकेश गौतम ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी प्रथा के चलते आज भी पंचपेकमी के लिए लोग इंतजार करते हैं। वो भीष्म पंचक जो है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक मनाए जाते हैं। तो भीष्म पंचक जो है हमारी भाषा में से पंच भिखू या पंच भिखू के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष भीष्म पंचक जो है वो 8 नवंबर 2019 से लेके 12 नवंबर 2000 पूर्णिमा यानी कि 12 नवंबर 2019 तक मनाए जाएंगे जी। ये जो भीष्म पंचक है इनका जो व्रत है वो शुक्ल पक्ष की एक कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक किया जाता है। तो भीष्म इस विषय में जो शास्त्रों में उल्लेख पाया गया है भीष्म पिता महाजी ने इस व्रत को किया था, इसलिए इसे भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। अर्थात महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हो गई थी तब श्री कृष्ण भगवान जी ने पांडवों को भीष्म पिता मह के पास ले गए और उनसे अनुरोध किया कि वह पांडवों को अपने जीवन काल का कोई ना कोई ज्ञान प्रदान करें। तो वानशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने उत्तरायण होने तक की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि उन्हें जो वरदान प्राप्त था इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें प्राप्त हुआ था। तो भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण जी के अनुरोध पर सभी पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान इन 5 दिनों में दिया गया था। इसीलिए इस कलयुग में यदि मनुष्य द्वारा किसी भी तरह का जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हुआ हो तो उसके निवारणार्थ हेतु यदि इन 5 दिनों में भीष्म पंचक का व्रत किया जाए और नित्य देसी घी का दीपक जलाया जाए तो अति उत्तम रहता है और उनके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है। भीष्म पंचक के जो व्रत हैं इनको मनाने का जो कार्य इनको मनाने के जो विधि है तो इसमें एक मंडप बनाया जाता है जिसमें गाय के गोबर से लीपकर मध्य में एक वेदी का निर्माण किया जाता है। वेदी बनाई जाती है उसके बीच में तिल रखकर एक कलश स्थापित किया जाता है। इसके उपरांत इन 5 दिनों में भगवान वासुदेव जी की ही पूजा आराधना की जाती है। तो एच टुडे के दर्शकों से यही अनुरोध रहेगा कि इन भीष्म पंचक के पर्व को अच्छी तरह मनाएं और हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने या आपके द्वारा किए गए जाने अनजाने पाप कर्मों या अपराधों की जो है इससे मुक्ति प्राप्त का ये सबसे बढ़िया एक मार्ग शास्त्रों में बताया गया है। कार्यक्रम में भक्त चला ईश्वर से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।